बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू रज़ा एकेडमी। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही कमाल का एक फंक्शन लेके आया हूँ जिसका नाम है ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन क्या है, इसको हम जो है वो कैसे यूज़ करते हैं और ये क्या काम परफॉर्म करता है। ऑफसेट फंक्शन को लगाने में काफ़ी जो है वो दोस्तों को प्रॉब्लम आती है, उसी का सलूशन है। दो वीडियोज़ होंगी इस फंक्शन के ऊपर। पहली वीडियो में मैं आपको इस फंक्शन के बारे में बताऊंगा और हम इस फंक्शन को अप्लाई करके भी देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इस फंक्शन के ज़रिए कुछ एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो आपको इन दो वीडियोस को देखने के बाद ये फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ऑफसेट का फंक्शन है क्या? बेसिकली फंक्शन लगाना में आता है, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर ऑफसेट। ऑफसेट लगाने के बाद हमारे पास ये सबसे पहले पूछेगा रेफरेंस। हमारे पास ऑफसेट में दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, एक को बोलते हैं इनिशियल रेफरेंस पॉइंट और एक हमारा होता है रिलेटिव रेफरेंस पॉइंट या फाइनल रेफरेंस पॉइंट। इनिशियल रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमने जो है वो अपना काम स्टार्ट करना है, पहला हमारा रेफरेंस पॉइंट। ऑफसेट फंक्शन बेसिकली करता ये है कि हम जो सेल इसको बताते हैं कि ये हमारा इनिशियल रेफरेंस पॉइंट है, और फिर हम अपना फाइनल जो रेफरेंस पॉइंट जो उसको पाथ प्रोवाइड करते हैं, हमें वो आंसर निकाल के दे देता है। अभी आपको जो है वो ये फंक्शन मैं लगा के दिखाता हूँ, और हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस फंक्शन का रियल लाइफ में ऑपरेशन भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं इनिशियल। मैं कहता हूँ कि मेरा इनिशियल पॉइंट ये वाला है, मैंने यहाँ से जो है वो स्टार्टिंग लेनी है, कॉमा लगाऊंगा और सेकंड नंबर पर ये हमसे पूछेगा रो, यानी कि कितनी रोज़ को छोड़ना है। मैंने अगर ये 5 नंबर गेट करना है यहाँ पर, तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं पहली रो दूसरी रो, तो ये हमारी दो रोज़ होंगी। ठीक है, दो रोज़ होने के बाद अगर हमने 5 पर पहुँचना है तो हमारा ये पहला कॉलम होगा, यानी कि 9 यहाँ पर है तो ये पहला कॉलम हमारा ये वाला होगा। तो हम फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर आएंगे, यानी कि दो रोज़ नीचे आना है और एक कॉलम आगे जाना है। तो हम अपने इस फंक्शन के ज़रिए 5 को गेट करेंगे। इसी तरह से अगर मैंने 7 गेट करना है तो हम ये भी काउंट कर लेते हैं, हमने कितनी रोज़ नीचे आना है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 रोज़ नीचे आना है हमने। तो यहाँ पर 2 के बजाय मैं लिख दूँगा 5। और अगर हम कॉलम की बात करें तो इस दफ़ा हमने कॉलम जो है वो बैक जाना है, तो याद रखिए कि अगर हमने रो बैक जाना है या कॉलम बैक जाना है तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो 5 रोज नीचे आना है, 1 कॉलम बैक जाना है, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये 7 निकाल के देगा। ओके, ये तो हो गए इसके हमारे पास दो आर्गुमेंट्स। अगर हम यहाँ पर कॉमा लगा के देखें तो हमसे यहाँ पर ये हाइट मांगेगा, हाइट और विड्थ। ये हमने रो बता दी, ये कॉलम बता दिया, हमारा जब ये आंसर निकलता है तो ये हमारा फाइनल रेफरेंस पॉइंट है। इनिशियल रेफरेंस पॉइंट हमारा ये था और जहाँ तक हम जाना चाहते हैं वो हमारा फाइनल रेफरेंस पॉइंट था, वो है 7। अब हम चाहते हैं कि हम इस फंक्शन के ज़रिए रेंज की सिलेक्शन करें, यानी कि 9 से लेकर जितनी रोज़ और जितने कॉलम हमने बता दिए हैं उस हिसाब से हम जो है वो अगर रेंज की सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर इस फंक्शन को थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ। ऑफसेट में मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग मैंने यहाँ से लेनी है, कोई भी रो मूव नहीं करनी, कोई भी कॉलम मूव नहीं करना, लेकिन जब हम हाइट और विड्थ में कुछ लिखेंगे तो हमारी सिलेक्शन स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रैकेट्स में भी डिफरेंस है। हाइट में मैं बताऊंगा कि मैंने कितनी हाइट लेनी है रो की, काउंट कर लेते हैं। जहाँ पर हमारा इस वक्त सेल एक्टिव है 1, ये होगा 2, 3, 4, 5 और 6, हमारी हाइट यहाँ पर होगी 6, और हमारी विड्थ जो है वो एक कॉलम ये वाला जहाँ पर 9 लिखा हुआ है और एक कॉलम इसके साथ वाला, यानी कि 2 कॉलम्स। अब फाइनली होगा ये कि इसी इनिशियल पॉइंट से हमें जो है वो 6 रो नीचे और 2 कॉलम आगे की सिलेक्शन करके देगा। एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं
कि हमारे पास जो है वो तमाम सिलेक्शन कर दी है, सॉरी इसमें इसने सिलेक्शन इस साइड पर की है। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर जो हमारी 6 रोज़ तो दी हैं, और लेकिन ये 2 कॉलम जो है वो हमने नेगेटिव साइड पर देना था, क्योंकि हम जो है वो रिवर्स बैक जा रहे हैं। अब हमारी रेंज जो है वो चेंज हो चुकी है, यानी कि ये जो इतना हिस्सा है वो बेसिकली यहाँ से इसने ये निकाल कर दिया है। जो वैल्यूज़ हमारे पास थी वो निकाल दी, जो नहीं थी उनकी जगह पर 0 निकाल के दिया है। अगर मैं इस ऑफसेट की रेंज में कहीं भी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उतना हिस्सा जितनी हमने रेंज दी है थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, और अगर मैं इसकी किसी भी वैल्यू को डिलीट करना चाहूँ तो ये वैल्यू जो है वो डिलीट नहीं होगी। जहाँ पर फंक्शन अप्लाई किया गया अगर उसको डिलीट करूँगा तब ये ओवरऑल रेंज जो है वो डिलीट होगी, उसके अलावा हमारी ओवरऑल रेंज जो है वो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑफसेट फंक्शन का जो है वो बेसिक काम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जो है वो प्रॉपरली ऑपरेशन ऑपरेट करके देखेंगे कि हम इसको जो है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।